पर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया, तेरे मुंह पर तो चुड़ी एक स्क्रैच भी नहीं है, तो जिंदा कैसे है? तो ये है हमारी ट्रेन की स्पीड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी स्पीड के अंदर इस ट्रेन के ऊपर हम चढ़ेंगे कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हर तोड़ का मोड़ा, मोड़ का जोड़ा, जोड़ का जोड़ा, हम यार एकदम जुगाड़ू बनने हैं। तो काम करता हूँ, मेरे पास एक स्पेशल मोड मेन्यू है जो मुझे ट्रेन चलाने देगा। तो हम जब ट्रेन चलाएंगे तो हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे 900 माइल पर एक घंटे की रफ्तार से, मतलब जो स्पीड से ट्रेन चल रही है वही स्पीड से जाएंगे। चलिए फटाफट ट्रेन को मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ। गाइस मेरे सामने ट्रेन स्पॉन हुई, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ पाऊं। राइट, दिस इज ट्रिकी नाउ, ये तो कुछ ज्यादा ही ट्रिकी हो रहा है, ये तो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि मैं ट्रेन के ऊपर कैसे बैठूंगा यार। तो दो बटन दबाने होते हैं, एक बटन दबाओगे तो ट्रेन स्पॉन होगी और अगर दूसरा बटन दबाओगे तो आप ट्रेन के ऊपर बैठ जाओगे। तो जैसे मैं ट्रेन स्पॉन करता हूं तो इतनी देर में ट्रेन भाग जाती है। हाउ इज दैट गोना बी पॉसिबल, हाउ, कैसे? आगे फिर से आगे एक काम करते हैं, जैसे हमारे सामने ट्रेन गुजरेगी ना, मैं फटाफट एफ का बटन दबाकर ना ट्रेन के ऊपर बैठने की कोशिश करूंगा। तो मैं दबाना शुरू करता हूँ अभी से। कहा लगता है मेरी एफ की कीबोर्ड मतलब की टाइपिंग सुन रहे होगे, मैं बहुत तेजी के साथ एफ का बटन दबा रहा हूँ। मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिस हो जाएगा यार। ट्रेन बहुत तेजी के साथ हमारे सामने से गुजर रही है, बिल्कुल हमारे सामने से गुजर रही है। कम ऑन, आ जा, तू आ जा, अब बताता तुझे मैं, अब तू आ सामने, अब बताता तुझे मैं, अब मेरा मुकाबला हो रहा है शेर के साथ, शेर और ट्रेन का मुकाबला हम यहाँ पे कर रहे हैं। अरे मुझे डर लग रहा है यार, अरे गाइस इतनी तेजी के साथ ट्रेन आती है ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल मतलब ये कंप्यूटर की स्क्रीन से बिल्कुल बाहर आ जाएगी वो। शिट मैन, अरे मैं तो डर ही जाता हूँ यार, मुझे लगा कंप्यूटर स्क्रीन के एकदम बाहर ही आ जाएगी। काम करता हूँ, मुझे अपना मॉड मेन्यू से कुछ करना पड़ेगा। तो मैं हॉली से, हॉली तो नहीं चलेगा, मैं फटाफट दो बटन दबाने की कोशिश करता हूँ। रेडी कट, 100 miles per hour हम ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे हैं। यो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी ट्रेन इतनी तेज चल रही है कि मेरी गेम भी लोड नहीं हो रही। No, slow down, slow down, slow down. अरे मैं मैप खोल के देखता हूँ। Oh my god, अभी guys कुछ ही सेकंड पहले हम यहाँ पे थे और मतलब कि 3 सेकंड में नहीं होंगे तो यहाँ से पूरा घूम के हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो काम करते हैं, 5 सेकंड बाद हम मैप खोलेंगे तो देखते हैं कहाँ पे पहुंचेगी ट्रेन। 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैप खोलता हूँ, अभी मकान। ओए बाप रे, इतना सारा डिस्टेंस हमने 5 सेकंड के अंदर तय कर लिया यार। दिस ट्रेन इज सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। मैं अंदर से दिखाता हूँ। अबे रुक ले, अरे वहां पर तो ट्रेन रुकती भी है, तू रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ओह शिट, अगर आगे से कोई ना कोई आ गया, अगर आगे से कोई, ओए क्या मुड़, ओ माय गॉड, रुक रुक जा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, पहले मैं बीमार हूँ। अरे बाप रे, अरे तुझे पता कैसे, इस ट्रेन को पता कैसे लगता है कि कहाँ पे जाना है? अरे मेरी तो गेम भी लोड नहीं हो रही, मेरी गेम क्रैश हो जाएगी गाइस, मेरी गेम पूरी क्रैश हो जाएगी। ओ माय गॉड, मैं फिर से मैप खोलता हूँ यार। ओ तेरी गाइस, आपको पता है मैं पूरा घूम के भी आ चुका हूँ। और कुछ देर में 50, 60। तो होली होली हम बढ़ रहे हैं और साथ में सिटी का नजारा भी ले रहे हैं। और मैं देखना चाहता हूँ, बस मुझे ये देखना है कि ये जो स्पीडोमीटर है, ये जो साथ में स्पीडोमीटर में देख रहा है जो किसी करंटली स्पीड है 65, तो मैं ये देखना है कि कितनी ऊपर तक जाएगा। तो मतलब ये पूरी ऊपर तक जाने की प्लानिंग हो रही है हमारी। आज तो कोई बचेगा ही नहीं, बिल्कुल आज तो किसी ने नहीं बचना है यार। आज तो कहे लॉस एंजेलिस वासियों, कैसे हो? आज तो तुम्हारी खैर नहीं है, आज तुम पहली बारी ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में जा रही है, आपको जान के खुशी होगी। हाँ भाई टैक्सी वाले भाव कैसे हो? और ये देख लो, पिकअप ट्रक लेके जा रहा है, आज सबको मैंने पीछे छोड़ दिया है, सबको मैंने पीछे छोड़ दिया। तो गाइस नॉर्मली मैं बूस्ट लगा के एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंच जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारा बूस्ट काम आएगा। तो ऑलरेडी हमारी स्पीड हो चुकी है 150 miles an hour और अभी भी हमारी स्पीड बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है।
लाइक वी आर गोइंग सुपर फास्ट, तो नॉर्मली ट्रेन की जो स्पीड होती है तो उस स्पीड से हम ऑलरेडी 10 गुना ज्यादा फास्ट ट्रेन चला रहे हैं यार। टनल्स के अंदर से गुजरती हुई एक बार इधर से साडे शॉर्ट्स के एरिया में आ चुकी है और यहीं पे हमने वीडियो शुरू की थी और कुछ ही सेकंड के अंदर अरे लाल बत्ती दिखा रहा, लाल बत्ती का मतलब ट्रेन को रोको, लेकिन नहीं हमने ट्रेन रोकनी ही नहीं है। 200 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से हम ट्रेन चला रहे हैं और बार बार स्क्रीन के ऊपर लाल बत्ती, रेड लाइट, ग्रीन लाइट आ रही है, लेकिन हमें कोई टेंशन ही नहीं है भाई। एक बार हमारी ट्रेन निकल पड़ी तो फिर रुकने का नाम ही, रुकने का सवाल ही पता नहीं होता। राइट, अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, मुझे लगता है सामने 100 मिल आएगी, तो 100 मिल के सामने से हम वहां से निकलेंगे कि स्लेंडरमैन ट्रेन के अंदर ही ना बैठ जाए यार। एक बार फिर से टनल के अंदर से घुसते हुए, क्या नजारे हैं आजकल यार, GTA 5 तो और भी ब्यूटीफुल हो रही है, एकदम ब्यूटीफुल 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 गेम बन चुके हैं GTA 5। तो आई थिंक हमने स्पीड रीच कर ली है 200। स्लेंडरमैन कैसे हो? तो गाइस हमारा रिजल्ट हमारे सामने है, तो 200 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से हम फिलहाल ये स्पीड हो चुकी है। अरे लाल बत्ती आ गई, इसके मतलब ट्रेन को रोकनी है, लेकिन हम ट्रेन नहीं रोकेंगे, प्लीटो बाइक के अंदर हमें ट्रेन बिल्कुल रोकनी नहीं है। तो गाइस हमारा स्पीडोमीटर जो है बिल्कुल 200 माइल प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर से बढ़ ही नहीं रहा, तो आई थिंक वी हैव रीच द मैक्सिमम लिमिट, लेकिन ये ट्रेन की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। देखो फिर से मैं ट्रेन से बाहर निकलता हूँ, ट्रेन से बाहर निकलता हूँ। भाई ट्रेन से बाहर निकलने के और तरीके भी होते हैं, ट्रेन से बाहर निकलने के और तरीके भी होते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक बार फिर से मैं अपना फटाफट 2 बटन दबाने हैं तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेन के अंदर ओह माय गॉड यार बहुत स्पीड में जा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा हूँ, दिस इज सुपर फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो गाइस मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक और ट्रिक है, तो ये ट्रेन की फुल स्पीड नहीं है, तो मैं काम करता हूँ अपने मॉड मेन्यू के हिसाब से ना मैं पूरी फुल मैक्स स्पीड कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी जान है इस गेम के अंदर, कितनी जान है हमारे कंप्यूटर के अंदर, देखना कि कितनी फास्ट हम जा सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। तो गाइस एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ और गाइस अभी देव थाम के बैठे हैं क्योंकि मैंने अभी ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी है 1000 गुना, 1000 माइल्स पर आवर्स नहीं, 1000 गुना मैंने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि कितनी ये मैक्स है। तो इससे ज्यादा मैं करूंगा तो मेरा कंप्यूटर मतलब कि उड़ के स्पेस में चला जाएगा, इतनी धुआं निकल रहा है, लिटरली गाइस मेरे कंप्यूटर के अंदर से धुआं निकल रहा है यार। ओके, तो मुझे समझ नहीं आएगा मैं इतनी स्पीड से ट्रेन आने वाली है कि मुझे दिखेगी नहीं। तो गाइस आपने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देखना, आपने मिस नहीं करना, और मैं बिल्कुल ट्रेन की पटरी के ऊपर खड़ा हूं। अरे अरे हाँ नील भाई कैसे हो, एकदम बढ़िया, बस हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो बाद में फोन करना अभी। ओके मैं बिल्कुल ट्रेन की पटरी के ऊपर खड़ा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं साइड में खड़ा हूंगा तो जैसी ट्रेन निकलेगी मुझे नजर नहीं आने वाली, तो इसलिए पटरी के ऊपर खड़ा हूँ। अगर ट्रेन निकली तो कम से कम हमें ठोकर तो लगेगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि जैसी अरे हट जाओ मार्टिन कैसा है, बस ट्रेन की वेट कर रहे, बस परे हो जा। ओके ऑलराइट देन, मैं अपनी जेबें वगैरह खाली कर लेता हूँ और किसी भी समय ट्रेन आ सकती है, एनी टाइम ट्रेन आ सकती है। गाइस एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि आके अपनी स्क्रीन के ऊपर रखनी है क्योंकि आपने मिस नहीं करना और मैं खुद मिस नहीं करना चाहता हूँ, मेरी दोनों आगे इस टाइम स्क्रीन के ऊपर है। अरे हट जा सामने से, मरेगा मेरे भाई, ये मरेगा, तू मरेगा, तेरा टाइम पूरा हो चुका गाइस आपने देखा इतनी तेजी के साथ ट्रेन की कि हमें पता भी नहीं लगा। गाइस मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कोई कट नहीं की, बिल्कुल कसम से गाइस ये ट्रेन इतनी तेजी के साथ गई कि हमें बिल्कुल पता भी नहीं लगा। काम करता हूँ फटाफट अपना मॉड मेन्यू एक्टिवेट करके ना मैं फिर से ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ पाऊंगा, लेकिन चढ़े अगर गाइस चढ़े तो मुझे पूरा पता है कि मेरा कंप्यूटर क्रैश कर लेगा। अरे मेरा ग्राफिक्स कार्ड फूक जाएगा मामा, ये रुक जाइए ट्रेन, अरे सड़क के ऊपर आखिर आग लग चुकी है, ट्रेन के मतलब टायर पिघल चुके हैं यार, मैं तो यार मैं हो सकता मूव नहीं कर पा रहा, आई थिंक आई एम डन। करीब 15 बार हम पलीटो बे का चक्कर काट चुके हैं, तो मैं काम करता हूँ ये ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ और हम पता नहीं कहाँ पे रुका हूँ यार। Oh my word, man. तो ये था हमारा ट्रेन ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल फुल